क्या बोलते हो भाई, अपना ओपिनियन देना कि नैनो ही ली जाए या फिर कोई और गाड़ी ली जाए? हैं, अगर नैनो मिल जाती है पावर ट्रेनिंग वाली तो वो भी बढ़िया है भाई। तो भाई सुबह सुबह, दोपहर नहीं दोपहर 4 बज रहे हैं अभी भाई, क्या ही सुबह सुबह बोल रहा हूँ, गर्मी कितनी हो रही है। परेशान मत करो उसको, बच्चे हैं ना छोटे छोटे, वो गाना कहाँ बज रहा है। बस बस हाँ, जैसे कैमरा दिखाया वैसे चालू हो गई है, नाटक करती है बताओ गाड़ी मेरी। भाई ये रेडियो वाले इतने बुरे बुरे गाने क्यों बजाते हैं यार, समझ नहीं आता। एक तो इतने ऐड चलाते हैं, ऊपर से भाई गाने चलाते हैं तो इतने बुरे बुरे गाने चलाएंगे भाई। भाई साहब मैं सोच रहा हूँ ना, अभी आवाज़ ये थोड़ी मैं कम कर दूँ। सीन ऐसा है, अब ये है ना, पावर स्टेयरिंग चलाने का मन हो रहा, अब ये नॉन पावर स्टेयरिंग में मज़ा नहीं आता, बहुत हाथ दर्द होते हैं। तो अब मन कर रहा है कि भाई इसको सेल करके एक पावर स्टेयरिंग वाली गाड़ी जो है वो ले ली जाए। और क्या बोलते हो भाई, अपना ओपिनियन देना कि नैनो ही ली जाए या फिर कोई और गाड़ी ली जाए। हैं, अगर नैनो मिल जाती है पावर स्टेयरिंग वाली तो वो भी बढ़िया है भाई। जो अपने पास अभी आई थी XT वेरिएंट वो काफ़ी अच्छी थी, बट अपने पास पैसे नहीं थे उस टाइम पे। उस टाइम पे क्या, अभी भी नहीं है, अभी भी अकाउंट में सिर्फ 7 रुपये पड़े हुए हैं। बट सोचने में क्या जा रहा है, सोचने में थोड़े ना पैसा लग रहा है, सोचने में तो भाई मैं रोल्स रॉयस ले लूँ, है नहीं, बस उसमें क्या सोचने का पैसा नहीं लगता है भाई। सोचो तो भाई बड़ा सोचो, छोटा मोटा नहीं सोचने का। सोचो तो भाई, हाँ भाई कहाँ कलिनन लेनी है रोल्स रॉयस की, थी तो यहाँ मिलती भी नहीं है, दुबई जाके लेनी है, दुबई से इम्पोर्ट कराएंगे 100% टैक्स पे करके। राकेश भाई को कॉल आ गया था, इसकी वजह से भाई शूट करना पड़ा, बट अभी तो निकल ही रहे हैं और शाम के टाइम अभी 4 बज गए। वैसे भी सिग्नल वगैरह अभी तो चालू हो गए, वैसे 1 से 4 बंद रहते हैं, बट अभी तो चालू ही होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। बट वही है कि भाई अपने क्या है ना, बोलते कम है, इसकी वजह से ना मेरे को ब्लॉग करने में कभी कभी दिक्कत होती है कि भाई बोलूँ तो बोलूँ क्या। कल शाम को तो बैठे बैठे भाई अपने 2 से 3 लोग बैठे थे, भैया एक मिले थे, तो काफ़ी हॉरर डिस्कशंस हो रही थी। बताऊँगी हॉरर स्टोरी तो बहुत सारी है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है भाई, मैं खुद का एक्सपीरियंस बताऊँगा और रीसेंट एकदम ताज़ा ताज़ा दिमाग में, एकदम ताज़ा भी है भाई। जब भी बोलता भाई रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन बताऊँगा कि क्या सीन हुआ था और कैसे हुआ और फिर क्या क्या वो चीज़ें हो गई। कोई नहीं, अभी सेकंड गियर डाले में थोड़ा सा खटर खटर हो गया, ये पता नहीं क्या ही दिख भैया, इतने आराम से ब्रेक मत लगा देते, एकदम सडन ब्रेकिंग कर देते हैं यार, ये दिक्कत होती नहीं होती हमें। और भाई साहब अपने ना स्टार्ट कर रहे एक मिनी ब्लॉग सीरीज, जो डेली के जो ब्लॉग, तो एक बड़ा ब्लॉग तो रहता ही है, बट एक मिनी ब्लॉग भी चालू कर रहे हैं। तो एक कुछ नया सोचा है कि डेली एक छोटा छोटा क्लिप लेके मिनी ब्लॉग जो है अपने बनाएंगे, सुबह से लेकर शाम तक का जो भी सीन रहता है, जैसे कि बड़े ब्लॉग में रहता है, हम लोग बड़े ब्लॉग में ज़्यादा बोलते हैं, मिनी ब्लॉग में छोटा छोटा बोलेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट, क्योंकि है ना यार अभी ऑडियंस रिटेंशन स्पैम बहुत कम हो गया है, तो ये सीन है कि भाई लोगों को है ना जल्दी जल्दी कम समय में ज़्यादा चीज़ें देखने की आदत हो गई है, तो ये चीज़ हो जाती है। और सोचा 10 सेकंड की रील भी बनाऊंगे तो उसके अंदर भी 3 से 4 सेकंड इतने इंगेजिंग होने चाहिए ताकि वो रील चले, वरना तो कहाँ ही चलने वाली है। ये सीन हो गए हैं, अब लोग क्या है इतना ऑडियंस रिटेंशन स्पैम क्या बोलते हैं उसको यार, हाँ अटेंशन स्पैम पर टाइम जो है बहुत कम हो गया, तो इसकी वजह से क्या लोग इम्पेशेंस हो गए हैं भाई। तो क्या है ना, आप पेशेंस नहीं रहोगे तो लाइफ में बहुत दिक्कतें आती हैं, और इसकी वजह से लोग आते हैं तो परेशानी रहते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, सक्सेस चाहिए जल्दी चाहिए, खाना चाहिए जल्दी चाहिए, सब कुछ चाहिए जल्दी चाहिए, है एंटरटेनमेंट भी चाहिए तो जल्दी चाहिए, उनको वेट नहीं करना है, सबर नहीं करना है। जो सबर जो चीज़ है एक लाइफ में वो ख़त्म होती जा रही है, तो यही चीज़ है भाई। अपने तो थोड़ा सोच समझ के ही चलते हैं, थोड़ा सबर करते हैं, बट स्टिल फिर भी दिक्कतें तो आती ही हैं भाई। सोचते हैं यार इतना सब कुछ कर रहे हैं तो रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, मिलेगा शायद, अपने अपनी उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं जितना हमें रिजल्ट मिलना चाहिए, ठीक है। बाकी तो अपनी मेहनत तो जारी है ही, सब कुछ बढ़िया ही होगा, होपफुली किसी ना किसी दिन तो रिटर्न मिलेगा ही। और कंसिस्टेंसी भाई, अब की लक नहीं चलेगा तो, लेकिन कंसिस्टेंसी तो चलेगी चलेगी, अगर मैं डेली करूँगा तो डेली एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 4 साल में तो होगा ही होगा, है नी। अपनी अपनी पसंद की ऑडियंस, अपनी जैसी ऑडियंस के पास तो पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, उस पोस्ट का कोई टेंशन नहीं है। अभी तक यहाँ तक किया है, इसके आगे तक भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई मैं बहुत तेज़ चला रहा हूँ गाड़ी, तेज 40 की स्पीड तेज होती है क्या इसमें, लगती है थोड़ी। नैनो से नेक्सन में आ गए हैं, इसकी चाबी कहाँ लगती है, ये देखिए आई गई है, वाह कितनी साइलेंट स्टार्ट होती है, बढ़िया बढ़िया एसी है इसके अंदर तो। पर ये जा
वाह क्लच कितना मस्त है भाई इसका। वाह 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 हाँ भाई नेक्सन आ गया अपने भाई का पंचाल कार हमारा अभी तरक्की कर रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी लेने लगे हैं, धीरे धीरे प्रीमियम भी हो जाएंगे, अभी मर्सिडीज वर्सिडीज बीएमडब्ल्यू भी रखेंगे धीरे धीरे। नेक्सन चलाने के मज़े ही अलग हैं यार, मैं फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ नेक्सन, मेरे मामा के पास है फिर भी मैं फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ। बताओ मेरे मामा मेरे को गाड़ी नहीं देते ना इसकी वजह से, गरीब आदमी हूँ भाई। कलेक्शन देख रहे हो गाड़ियों का यार, क्या ज़बरदस्त भरा पड़ा अभी पूरा, अभी वीडियो बनाएंगे तो क्या ही व्यूज़ आएंगे, भर भर के करोड़ों में व्यूज़ आएंगे। एक फ़ोटो ज़रूर ले लेना भाई लाइन से, ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाएंगे तो यही थंबनेल रखेंगे बढ़िया सा, है ना, फुल स्टॉक है। अगर अभी वहाँ से भी पांच गाड़ी वहाँ से आ जाएंगे तो यहाँ से पूरा लगा दोगे। नहीं ये क्या कर दिया, पूरा तोड़ दिया इसको, लगता है एक्सपेंड कर रहे हैं ये, शायद मोटा कर रहे हैं शायद, मुझे तो यही लग रहा है, देख रहे हो। तो वहाँ काम हो रहा है, रोड बन रही है अभी पूरी, की वजह से गाड़ी जो है अपनी यहाँ पर लगानी पड़ी आपको, तो यहाँ लगा दी, पता नहीं क्या ही लग गया है यहाँ पर, ये इतना कीचड़ कहाँ से आया पता नहीं। वैसे यहाँ इतनी सारी गाड़ियाँ हो गई है, रखने की जगह नहीं है यार। ये देखो ये डामर वाला आया, रोलर चलाएगा अभी यहाँ पे पूरा, भाई साहब जगह नहीं है, जगह नहीं है तो भैया यहाँ पर रखनी पड़ी एक गाड़ी, नेक्सन सबसे प्रीमियम गाड़ी रखी है भाई अपने पास अभी तक। अरे जूम होता है हमारे में तीन गुना, देखो पग जा रहा भैया, बड़ा वाला पग। मैं उनको बोला गोल्डन रिट्रीवर है लेकिन मानते नहीं, वाला पग होगा फिर दोनों के नहीं मानेंगे। भाई बॉक्सर है वो, देखो दूसरा आया, देखो ये देखो सफ़ेद वाला दिख रहा है ना, वो देखो रशियन है वो, नहीं 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 वो पमेलियन है यार, सफ़ेद वाले पमेलियन होते देख, विदाउट बाल वाला पमेलियन है वो। बादल आ रहे हैं भाई वहाँ से लंबे लंबे, मुझे लगता है बारिश होने वाली है, बारिश नहीं तो बर्फ़ पड़ने वाली है, ऐसा कुछ तो सीन होने वाला। लो और अपनी भाई ये नेक्सन आई थी ये चली गई, हाँ सेल हो गई, पता नहीं क्या ही करते हैं ये, गाड़ी लेते हैं लेते ही बेच देते हैं गाड़ी, क्या करने का है गौतम भाई। और कमेंट आया था भाई गौतम भाई और राकेश भाई दिखाता नहीं, आ लो भाई ये लो, हेलो बोलो, हेलो, और ये भी बोलो हेलो बोलो, ओ हेलो तो बोल दो, हेलो यार ऐसे कर कैसे करते हैं, अंदर देखो तीन पत्ती चले जाए यार, ये कब तक नकली चिप पे खेलते रहोगे बताओ। देख गौतम भाई ने नेक्सन की डिलीवरी दे दी, मैं बोला कितने में दे, बोला फ्री में दे दी, बोला मेरे को भी दे दो एक आधी गाड़ी फ्री में, मेरे को ही दे देते, देनी कि नहीं देनी भाई, हाँ दे देंगे, दे दो फिर, अरे दे क्या दे देते दे, हेलो आओ बोल रहा हूँ ना, नैनो बेच के भी नेक्सन तो फ्री में मिल जाएगी, दोनों रख लेते हो। मुझे लग रहा है जोरदार बारिश होगी अभी, ऐसा ही लग रहा है, अबे कुछ जोरदार नहीं होगी ये, अब यही बादल है बस थोड़ा थोड़ा, उधर तो खाली पड़ा है, तो मस्ती मजाक करने आता है यहाँ पर बादल, मैं तो खुश हो रहा था फालतू में। देखो भाई हवा आ गई, बारिश नहीं आई, सब जगह बारिश हो रही है भाई, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में बारिश हो रही है लेकिन बड़ोदरा में नहीं हो सकती बारिश, इट इज़ नॉट पॉसिबल। भाई साहब क्या गंदी हवा चल रही है यार, हवा चूड़ा है। ओहो भाई खतरनाक, अरे क्या गिरा, तू गिरी क्यों, कांच चढ़ा दो बरसात पड़ से, हाँ भाई कांच वांच चढ़ा दो पानी भर जाएगा अंदर, बहुत तेज हवा चल, हवा ही चलती है यहाँ पर बारिश नहीं होती, देखना सिर्फ हवा चलती है बारिश नहीं होती हमारे यहाँ, अभी पूरा बादल उड़ा के ले जाएंगे हवा, देखो थोड़े बहुत आए थे काले बादल, ना बिल्कुल नहीं होगी बारिश। अरे भाई गाड़ी अपनी लगा दी यहाँ पे, तो इनकी गाड़ी रखी जानी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धूल मिट्टी देखो कितनी उड़ रही है, सिर्फ धूल मिट्टी उड़ सकती है भाई और कुछ नहीं हो सकता। भगवान जी मेरी बात सीरियस भी तो नहीं लेते यार, कि भाई इतना बोल रहा है कि बारिश ही करवा दूँ, ऐसा होता ही नहीं है। हम जाके जा रहे हैं वी आर वी, अब वो लेके आएंगे ये और एक एती लेके आएंगे तीन, क्योंकि यहाँ रोड बनने वाली है ना यार, तो फिर गाड़ी वाड़ी रखने की जगह नहीं है ढंग के, इसकी वजह से
अभी है ना शाम हो रही है और सामने जो गाड़ी आती है ना हाईवे में चलाती है ना भाई दिमाग खराब होता है। बारिश हल्की फुल्की से पड़ रही है इसकी वजह से वाइपर चला रखा है भाई, लेकिन इसका पानी क्या ना एकदम सूखता नहीं है इसकी वजह से दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तो बारिश भी बंद हो गई, वाइपर भी बंद करना पड़ेगा। पता है भैया इतना तो किसी भी गाड़ी में आता है। अरे भाई बुलेरो में भी आता है यार, सब में नई गाड़ियों में आता ही है। ये तो पहले भी पुरानी है तब देते थे, अच्छी बात है। देखो यहाँ तेज होने लगी, मेरे भगवान ने सुन लिया आज कि बड़ौदा मेरे घर के पास नहीं हो रही होगी, देखना बारिश। देखा यहाँ कम हो गई, उतने ही एरिया में इतनी तेज बारिश हो रही थी, यहाँ हो गई कम। आपका भाई लंदन गया ना इसमें। हाँ चलो भाई गाड़ी छोड़ के तो आ गए हैं और यहाँ पर देखो पूरी गाड़ी एकदम वाह जी वाह, बारिश हो गई हल्की फुल्की तो बढ़िया सा हो गया। बाकी भाई ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब करना, फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय भोलेनाथ।